वेलकम बैक टू TNK के व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, हम जा रहे थे मेरी सिस्टर के घर बाय मेट्रो। बाहर ट्रैफिक ही इतना है, क्या करें। मेट्रो सेफ एंड साउंड और विदाउट ट्रैफिक वाला सीन था। और वैसे भी डायरेक्ट मेट्रो जा रही थी तो हमने प्रेफर किया कि हम मेट्रो से ही जाएँ। बस एक बार ही बैठो और सीधा उधर उतरो और उसके बाद घर को चलो। लो जी, आ गई है मेट्रो। मेट्रो भी बहुत अच्छी से मेंटेन था, अंदर सी ये वो अच्छा था सफर। हेलो, मैं तो ये लोग दिल्ली में आ रहे मेट्रो हैं सबसे बेटा। अच्छी है। लिफ्ट वगैरह है, ऊपर नीचे चढ़ने के लिए अच्छी मेट्रो जगह में अभी पहुंच जाएंगे या ईजली 1 घंटे में हम पहुंच लोग जाएंगे तेरे पास। ट्रेवल पैसा कर पकड़े सकते हैं। अच्छा है मेट्रो बचा है कि ना खा ले बिल्कुल। जैसे हम उतरे अपने स्टेशन पे, वहाँ पे हमें जीजू लेने आ गए थे मेट्रो पे और हम दीदी के घर पहुँच गए। इजली 5 मिनट की दूरी पे ही था कार से। और वो लोग उन लोगों ने हमें मेट्रो स्टेशन से पिक किया और हम घर पहुँच गए। और घर घुसे और अच्छे से हमने लॉक लुक लगाया तो आगे जाके हमें अंकल जी मिले। बुजुर्ग सब रजाइयों में घुसे हुए थे, उनके लिए तो काफ़ी ठंड थी तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था उन सबको देख के। सत श्री अकाल अंकल जी। ए वाला सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ठीक ठीक और कैसे हो? ठीक हो? ड्रामे तुम्हारे सत श्री अकाल। बेडरूम में चलो। ठीक है तू? हाँ बढ़िया। ओह ब्लेस यू ब्लेस यू। चलिए मेरी बहन लेगा। कमरे में जाके रिलैक्स होने के बाद थोड़ी देर फिर हम लोग ड्राइंग रूम की ओर शिफ्ट हो गए क्योंकि ये अभी है छोटा होता दीदी का बेटा गोलू मोलू। इसको बहुत खिलाया मैंने। नमन ना आके इधर बैठ गया। उन्होंने बोला चलो थोड़ा टी स्नैक्स ले लो शाम के, तो हम लोग इधर आ गए थे। और छोटू सो रहा था, हमने खाए ढोकले खांड भी वगैरह लिए सब और फिर खा पी के अपना बैठ गए। फिर इधर बैठे अंकल जी के पास आए, गप्पे गुप्पे मारी। फिर अंकल जी पूछ रहे थे बेटी कितने साल की, उनका बेटा है। डिनर किया फिर सो गए, थक गए थे। सुबह उठे और उठ के सीधा चले गए आगे बेड़े में, वहां पे धूप आ रही थी। धूप में बैठे अंकल जी के साथ अंकल जी पाठ कर रहे थे। छोटू पूरा एंजॉय कर रहा था, आगे पीछे घूम रहा था मजे से। धूप और बहुत अच्छी धूप लग रही थी हम लोगों को, बड़ा सुकून मिल रहा था। आईज को मेरी बहुत अच्छा लग रहा था, जो सन आ रहा था ना उस पे। हम लोग इधर बैठ के खूब सारा टाइम थोड़ा चाय रस पी के, मैं तो नहा धो लिए थे सुबह सुबह ही बैठ गए और इधर बैठ गए। अच्छा लग रहा था, हम बहुत रिलैक्सिंग फील कर रहे थे। यहाँ पे सुबह सुबह दूध वाला ये वो सब आ रहा था। दीदी भी रेडी थी तो ये बच्चे अपने सारे रेडी थे तो इधर देख रहे थे। डॉगी वगैरह भी घूम रहे थे, काओ वगैरह दोनों भाई एंजॉय कर रहे थे। दोनों भाई कुर्सी डाल के बैठ भी गए थे यहाँ पे मस्ती कर कर के। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने तो नाश्ता भी यहीं बैठ के किया धूप में। और सही है, नीचे से इनकी काम वाली आ जाती हैं, वो खाना वाना बनाती हैं। दीदी और उनकी जेठानी जॉब करती हैं तो अपना हिसाब से काम कर लेती हैं। काम वाली उनको पता है हमने कपड़े धोने, हमने खाना वाना बनाना है, हमने सफाई करनी। ये उनकी जेठानी अपने बेटे को अकेडमी छोड़ा है, ट्यूशन उसकी अकेडमी छोड़ा ही थी। संडे था नहीं तो उनका वैन वाला लगा हुआ है तो संडे को ये खुद पिक एंड ड्रॉप करती हैं। फिर हम सब निकल पड़े किसी और की तरफ। इधर जाते जाते हमें मोतीबाग का गुरुद्वारा दिखा। हमने बाहर से ही दर्शन किए, वहीं से नमस्कार किया बाबा जी को।
मैं, दीदी, जीजू एक कार में थे, बाकी बच्चे और विकी एक दूसरी तरफ थे, दूसरी गाड़ी में थे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि दीदी के घर नाइट स्टे करेंगे और फिर वहाँ से मम्मी ओना के घर जाएंगे। तो दीदी, मैं और जीजा जी मम्मी ओना के घर की तरफ चले गए। ये पैसिफिक मॉल है, ये तो मेरे को लगता है मोस्टली लोगों को पता ही होगा, यहाँ हम बहुत आते हैं, बहुत बहुत। पर मेरा इस बार चक्कर नहीं लगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और बस मूड भी थोड़ा ऐसे ही था, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं आपको पता है लाइफ में, तो मेरा अंदर जाने का मन ही नहीं किया और टाइम भी नहीं था टू बी वेरी ट्रू। बस बाहर से देखा और निकले क्योंकि मुझे मम्मी के घर पहले जाना था, वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी था, मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं बस फटाफट पहले वहाँ जाऊँ, घर जाऊँ, इसलिए और बस इसलिए मैं पहले प्रेफरेंस ये दे रही थी कि घर जाएं। तो फिर मैं और दीदी गाड़ी से उतरे, जीजू ने गाड़ी पार्किंग में लगाई, गली के कॉर्नर पे ही संतरे वाला खड़ा था। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पे ना कॉर्नर पे हमारी कामली रहती है, हम उसको फ़ोन कर रहे थे नीचे आ जा क्योंकि घर बहुत टाइम से बंद है, साफ़ सफाई करानी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए दीदी आपने देखा होगा वो फ़ोन पे ही बात कर रही थी, उसको कह रही थी नीचे आ जा हम आ गए हैं, ताला वाला खोलते हैं आ जा। हमारी गली में एंटर करते ही ना गुरुद्वारा साहिब है, तो वहाँ पे हम गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए हमेशा आगे जाते हैं। तो गुरुद्वारे में जो भी प्रोग्राम होते हैं उसकी वजह से हमारे घर में बहुत, हमारी गली में बहुत रौनक मेला रहता है, तो इस करके हमें काफ़ी सही रहता है। घर देखा, घर के बाहर बहुत मिट्टी घट्टा तो था ही, क्यों, क्योंकि हमारे एकदम सामने वाला घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ, उसकी वजह से भी हमारा घर के बाहर काफ़ी मिट्टी वगैरह थी। बाकी बंद घर में तो हो भी जाती है मिट्टी, ये तो नहीं है कि नहीं होती। बाकी हमने लॉक वगैरह खोल ले, एक स्कूटी हटवा के साफ सफाई करवा के लॉक खोला, और सामने से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे ना वो भैया बाइक थी उनको भी बुला लिया हमने, मतलब हमने टोटल दो तीन कामलियाँ बुला ली थी क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा घर साफ करना था। देखो कितना हुआ है ना, ये मैं लॉक खोल रही हूँ, लॉक खोल के फिर वो भैया की हेल्प से हमने दरवाजे वगैरह खुलवाए, तो उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी हमारी साफ सफाई करवाने में, डोर्स ओपन करने में, क्योंकि मिट्टी और लोगों से इतना नहीं हो पा रहा था, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। और जो हमारे पड़ोसी हैं विक्की बाजी और अनु की मम्मी और सामने वाले भी हमारे जो रोजी बबली की चाची हैं बुआ हैं, वो सब वो लोगों ने भी चाय पानी नाश्ता सब किया अच्छे से, तो उन्होंने बुलाया, चाय हमें पिला, घर में ही दे गए, पानी की बॉटल दे गए सब। घर में एंटर करते ही हमने पहले MCs ऑन करी जिससे हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी पावर आ जाए, फिर उसके बाद हम अपना काम शुरू करें, चलो ये पहले काम कर लेते। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई फिर मोटर वगैरह चेक करा क्या है क्या नहीं है, हिसाब किताब, मतलब सब ठीक था ओवरऑल, लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी, लॉक हो गई, MC ऑन करते ही तो सारा घर देखा आपने। काम वाली अपने काम कर रही थी, हम लोग बाहर खड़े थे, चेयर वेयर बाहर लगा के बैठ भी गए थे थोड़ी देर, बहुत मिट्टी थी,
साइड पे होके सफाई वगैरह कराती, पर काम वाली बहुत अच्छी है, हमारी मेड्स बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ झाड़ झाड़ के सफाई करी। हम उधर खड़े ही थे तो हमारी गली में गुरुद्वारा है तो वहाँ पे एक प्रभात फेरी आ गई। वैसे ही बाबा जी की शहीदी दिन चल रहे हैं तो इस करके प्रभात फेरियाँ चलती रहती हैं, तो वहाँ हम खड़े थे तो अच्छे से हमारे दर्शन हो गए उधर बाबा जी की। पालकी साहब थी और काफ़ी संगत थी जा रही थी तो हमारे भी, हमने भी उनके दर्शन कर लिए अच्छे से। बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि हाँ ऐसे भी होते हैं, हिसाब किताब अच्छा था ओवरऑल। हमने घर को अच्छे से साफ़ सफाई करी, बेडशीट चेंज करी, और हमारी मेड कह रही थी अब जल्दी आना दोबारा से। हमने कहा हाँ ज़रूर आएंगे। हमने अपने मम्मी डैडी के साथ पिक्स भी क्लिक करी और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और अपना सारा सामान समेटा। आप हमारे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इतने में हमने अपने मम्मी डैडी के साथ बहुत अच्छी सी एक और फ़ोटो खींची, साथ में ही मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी आ रखी थी, उसके साथ भी फ़ोटो क्लिक करी। मुझे सब बहुत अच्छा लगा।